हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन मिल जाए ये तीन में से कोई भी एक संकेत तो समझ जाइए कि सफल हो गई है आपकी पूजा। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व पर लगभग हर घर में कलश स्थापना की जाती है। देवी को प्रसन्न करने का ये सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना का फल बहुत ही जल्द प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप नवदुर्गा में किसी खास मनोकामना के लिए घर में कलश स्थापना व ज्वारे पूजन करते हैं, किंतु आपकी पूजा कितनी सफल हुई है कितनी नहीं, इस बात की जानकारी आपको कैसे मिलेगी? तो आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान देवी चैतन्य होती है। वही इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति से माता का तुरंत परिणाम दिखा देती है। यदि आपकी भक्ति से माता प्रसन्न होती है तो इन 9 दिनों के दौरान आपको कुछ ऐसे विशेष संकेत देती है जो हम कभी समझ नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने साथ होने वाली घटनाओं को सूक्ष्मता से देखे तो अवश्य समझ सकते हैं कि आपकी पूजा कितनी सफल रही है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, नंबर 1 संकेत, नवरात्रि के विशेष 9 दिनों में कभी भी अगर आपके सपने में उल्लू दिखाई दे तो यह माँ लक्ष्मी का आपके घर आगमन का संकेत होता है। अगर आपने धन संपदा पाने की मनोकामना के साथ यह व्रत किया है तो यह आपकी सफल पूजा का संकेत देता है। तो दोस्तों, अवश्य ध्यान रखें, यदि आपको सपने में उल्लू दिखाई देता है तो ये अच्छा संकेत है। तो दोस्तों, नंबर 2, नवरात्रि की पूजा में यदि आपको 16 श्रृंगार में कोई महिला दिख जाए तो समझे कि माता रानी आप पर कृपा है। आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक, सामाजिक और अन्य तरह की परेशानियां दूर हो सकती है। तो दोस्तों, विशेष ध्यान देना जरूरी है कि यदि आपको ऐसी महिलाएं दिखाई देती है तो समझ जाइए कि माता रानी पर आप पर कृपा है। तो दोस्तों, नंबर 3, नवरात्रि इन दिनों में अगर आपको नारियल, हंस या कमल का फूल सुबह सुबह दिखाई दे तो समझ जाए कि माँ अंबे की कृपा आप पर बरसने वाली है, क्योंकि देवी माँ की पूजा में नारियल और कमल का फूल विशेष महत्व रखता है। तो दोस्तों, हंस भी माँ सरस्वती का वाहन माना जाता है। तो दोस्तों, अवश्य ध्यान रखें, इन चीज़ों का देखना मतलब आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। तो दोस्तों, नंबर 4, घर से निकलते समय गाय का दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर नवरात्रि के दिनों में आपको घर या मंदिर से निकलते समय गाय दिखाई दे और खासकर सफ़ेद गाय दिखाई दे तो समझ जाए कि आपकी हर मनोकामना जल्दी ही पूरी होने वाली है। तो दोस्तों, अवश्य ध्यान रखें, यदि आपको सफ़ेद गाय दिखती है तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, नंबर 5, सुबह सुबह घर से निकलते ही आपको गन्ना दिखाई दे तो समझ जाइए आपकी पूजा स्वीकृत हो गई है और माता रानी आप पर कृपा है। ऐसे में अपना हर काम निर्भय होकर लेकिन ईमानदारी से करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, ये चीज़ अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों, नंबर 6, नवरात्रि के 9 दिनों के बीच अगर आप किसी यात्रा पर जाते हैं और अगर आपने दाहिनी और आपको सांप या बंदर दिख जाए या सपने में सफ़ेद सांप या सुनहरा सांप दिखे तो यह देवी कृपा का बेहद ही शुभ संकेत होता है। तो दोस्तों, यदि आपको यह सपने में दिखाई देता है तो यह बहुत ही अच्छा होता है और यानी माता आप पर सदैव कृपा बनानी रखती है। तो दोस्तों, ध्यान रखें, यह सपने में दिख जाता है तो माता लक्ष्मी आप पर कृपा है। तो दोस्तों, इस तरह आपको ये संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि नवरात्रि के 9 दिनों में आप पर माता धन बरसा रही है और आपकी सब परेशानी मिट सकती है। तो दोस्तों, देर किस बात की, कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।